मैं हूँ अनेरी ठक्कर और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। आज हम निकल चुके हैं कुछ राजस्थानी वाइब लेने के लिए। जी हाँ, अभी हम जा रहे हैं सूरत का डोडरा और वहाँ पे हम जा रहे हैं चौकीदानी, तो वहाँ पे होगा राजस्थानी कल्चर और साथ ही साथ ट्रेडिशनल फूड और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, लाइव म्यूजिक, बैलगाड़ी, मेहंदी और हेड मसाज और बहुत कुछ। वहाँ पे बुकिंग करवाने के लिए हमें सिर्फ वहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्म करना है और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे हम अपने डिटेल्स भेजनी होती है, जैसे कि हमारा नाम और हम कितने मेंबर हैं, तो उन लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करना कन्वीनियंट रहता है। तो हमने बस उस तरीके से बुकिंग किया है और पर हेड हमें ये पड़ा है 600 रुपीज में, जो कि हमें वहाँ जाके पे करना है, तो वो तो एक्जेक्टली वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए और यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, सो लेट्स गो। देखा आपने, हम चौकीदानी पहुंच गए। अच्छा है, भैया गाड़ी लगता है, आप स्वागत करवा माटे ढोल लेने उभा छे।
जाओ लड़की बसंती आप भी जरा भाई नाच के दिखाओ बेटा। देवर के ब्याह में बड़ी भाभी कैसे नाचेंगी जरा खड़ी होके नाचो आप भी जरा देवर के ब्याह। चलो धीरे धीरे से नाचो जरा बसंती जरा तुम बैठ जाओ तैयार हो जाओ मांगी लाल जी आओ। चलो भाई बदन बनाओ आपका बदन कैसे बनेगा। चलो पांच उंगली उठाओ सेठियों को सेठालियों को नीचे बैठ के राम राम करो। चलो जरा गलताजी में स्नान बनाने के लिए पैदल यात्रा कैसे जा रहे हो पे कसरत कैसे होती है पहलवान आदमी की पुशअप्स करे जाए आश्रय में जाओ बेटा लाडा जी जाता है लाडी को लेने कैसे जाते हैं जरा सासरे में चलो नीचे नहीं बैठे कुर्सी पे बैठ जेलो लाठी मुझे दो बैठ जाओ ना भाई मना मत करे आपको आपकी बम्बई वाली साली की सोगने मिल जाओ। अरे मांगी लाल जी आपको आपके काका बाबा की सोगन मिल जाओ। गुस्से थी अरे भाई साहब आपको आपकी धर्म पत्नी की सोगने ये लड़की बसंती की बढ़िया हुआ के भाई तैयार हो जाओ बसंती जाने के लिए लेने आगे बेटा मांगी लाल। चलो जरा मना मत करे कह रही है बम्बई गए थे कमाने 200 रुपए दो लाठी नहीं मांगे चूड़ी चप्पल ले लो तो जरा लड़की के लिए कोई क्रीम पाउडर के डब्बे दो जरा पहलवान जी से बात नहीं बनेगी कोई घाघरा रुबड़ी नया वाला लड़की जाना पड़ेगा लाठी लाया है चली जा गाली मत बाज कह रही है लंगा बेटा ऐसे लंगे आदमी के साथ नहीं जा रही मैं और लंगा नहीं बताया मांगी लाल रुक जाओ रहने दे। अरे पहलवान जी रुक जाओ भाई खा जा रहे हो अरे अरे कपड़े फट जाएंगे चुटिया फट जाएगी क्या करो मांगी लाल लंगा बता दिया आपको बेटा घर में रखोगे दूसरा ब्याह करे कितने राजी बनो लाडा जी आप चेलो शादी के अंदर बढ़िया वाला जरा सेवरा पहनो देखो काट समझा ले मना ले लड़की माफी मांग ले मांगी लाजिए जा रहे दूसरा ब्याह करने पांव पकड़ लो जाके राजीनामा होने दे। चलो राजीनामा हुआ बसंती गाड़ी में बैठो बेटा बसंती की विदा करो अपने घर ले जाओ आदमी होते हैं मोटर गाड़ी में ले जाते हैं मांगी लाल ये बिना ब्रेक की मार्शल गाड़ी आपकी चलो जरा गाड़ी चलाओ कैसे जाएगी कितने राजी हो गए चलो जरा धीरे धीरे चलो एक बार और निकलो चलो आगे सेठियों को सेठालियों को आगे जाओ सामने जाके जरा ढोक लगाओ हाय चलो हाथ मिलाओ नहीं मिला दी गुस्सा कर दिए राम राम सा राम राम सा तो बोलो राम राम सा ये सेठ जी सेठानी ये मेरे पास जादू का मासी और जादू भारत में नहीं है सेठ जी एक सिर्फ जादू का नाम है हम आप लोगों को जादू नहीं दिखाएंगे सिर्फ हाथ की कला दिखाएंगे जादू का बासी जमीन पे ठोक दूं हाथ पे ठोक दूं हाथ खाली चोरे का माटी उठाएंगे फंक लगाएंगे फेंक देंगे यही माटी को उठाएंगे बोलेंगे लेकर आओ राइट सिक्का को सेठ जी झोले में झोला को बंद हाथ खाली देखो टू कॉइन कैसे बनेगा हाँ चलो टू कॉइन बन जाओ
एक कॉइन देखिए सेठ जी मुट्ठी के अंदर में, ये जादू का बासी है झोले में, बोलेंगे टू कॉइन बन जाओ, तीन बार बासी घुमाएंगे टू कॉइन देखो सेठ जी मुट्ठी में बनेगा। चल नहीं नहीं अभी नहीं डाला, आपने डाला मैंने देखा, देखे वो हाँ। नहीं 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 शेटानी ये देखो अभी एक ही कोई नहीं, आपने वापस लिया उस आदमी ने बंस लिया हो रहा। ये बिल्कुल खाली है, ये अंगूठा अंगूठा इस सही साथ के अंगूठे मैंने मजाक के लिए करा है। अभी मैंने धोखा दिया जानबूझ के, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कला देख रहे हैं अपनी बातों में लगे। अभी झोले वाला सिक्का झोले के अंदर में गिर रहा, अभी नहीं निकाला। एक बार और देखेंगे वनिश मोहन, जब मैंने सेठ जी ऐसे कर कर ऐसे कर दिया, जादू का बासी पकड़ लिया, झोले में हाथ डाला, आप लोगों को धोखा लगा के कोइन डाल दिया। चलो सेठ जी अब नहीं डालेंगे आप तो, नहीं अभी भी नहीं है कि कोइन पहले कॉइन चेक कराएंगे। सेठ जी कॉइन हाथ में लो, सेठ जी कॉइन को इस प्रकार से खींच कर देखो, सिंगल है या डबल है, चिपका तो नहीं है। सेठ जी देखिए कॉइन को ऐसे पकड़ो, एक दो तीन बार ठोक दो, थोड़ा माटी लगाओ, खींच दो, दो बनाओ। सेठ जी मेरे पास आओ, बैठ जाओ नीचे। सेठ जी क्या नाम है सेठ जी आपका? दर्पण। दर्पण बड़े दिनों के बाद में मिले ये भैया, ऐसे याद करेंगे सेठ जी। हम आपको टू कॉइन देंगे, मुट्ठी बंद करना, फूंक लगाना, कॉइन रखना और वहीं बैठ जाना, ठीक है? फंक लगाएंगे दोनों कॉइन से, बोलेंगे मुराइट मुट्ठी बंद करो सेठ जी, फूंक लगाओ, कॉइन रखो, वहीं बैठ जाओ। टू कॉइन रखो सेठ जी, करो मैं समझाओ सेठ जी, सेठ जी घर में आओ, टू कॉइन रख के जाओ, मैं गरीब आदमी हार नहीं। आपके पास में नहीं है? नहीं है। इधर मैं आऊँ मैं निकाल लूँ, बोल रहे हैं सेठ जी कॉइन नहीं है, कॉइन देखो कहाँ लेके जा रहे हैं, खड़े रहेंगे खड़े रहेंगे। देखो सेठ जी के पास से कॉइन निकलेगा, यहाँ से थोड़ा पैंट हलाओ, पुराने डाकू इन्होंने बचपन की आदत है। सेठ जी टू कॉइन है उससे बचा भी लेकर आओ, राइट तीन बार हटा पर्दा दिखा जलवा के कैसा जोड़ा बच्चा बन के तैयार है, जोड़े बच्चे पे करेंगे दान तो गंगा माँ का होगा उसे वरदान। बहुत सेठ जी ने मेरी कला है। आधा पौना घंटा पहले यहाँ पे पहुँच गए हैं चौकीदानी में, और इन लोगों ने हमें वेलकम किया विद जलजीरा ड्रिंक, और यहाँ पे ही हम घूम रहे थे, पूरी प्रॉपर्टी देख रहे थे, साथ ही साथ हमने मंकी शो देखा और एक मैजिकल शो था वो देखा, बहुत ही ट्रिकी था पर हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं। अरे Oh,
हेलो एवरीवन, अभी रात के 8 बजे हैं और अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तो आफ्टर हैविंग डिनर हमें यहाँ से फिर से 1 घंटे का ड्राइव लगने वाला है, तो हम यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं। अदरवाइज दोपहर 3 बजे से 11 बजे तक आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर हमें यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ से 1 घंटे का ड्राइव लगने वाला है, तो इसीलिए हम अभी 8 बजे खाना खा के थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे अपने घर के लिए। सो आइए देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल है। सब लहसुन चटनी साथ खाइए तो मस्त लगे। अच्छा, ये लो बच्चों, आपके लिए नाश्ता आया है। हम लेके आए। हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। फूड एंड टेस्ट बहुत ही खूब था और इन लोगों की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, तो हमने डिनर भी एंजॉय किया और हमने यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया वो भी बहुत ही खूब था। तो अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक करना चाहते हैं हाफ डे के लिए, तो ये प्लेस बेस्ट है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड एक्सप्लोरिंग राजस्थानी वाइब्स विद अस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड यस, इफ यू गाइज हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू गाइज विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।